Hello students, let's read the question. A semicircular ring has mass m and radius r as shown in the figure. Let I1, I2, I3 and I4 be the moment of inertia about the four axes as shown. Axis 1 passes through the center and is perpendicular to the plane of the ring and then match the following. एक semicircular ring दे रखी है जिसका mass m है, radius r है, ठीक है. Let I1, I2, I3, I4 the moment of inertia, जो चार axes हमें shown कर रखे हैं figure में, उनका moment of inertia about these axes. एक्सिस वन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पासिस टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट द फर्स्ट एक्सिस, जो वाली जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये हो जाएगा आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर, ठीक है. ये कैसे हो जाएगी, मान लो हमारे पास एक कंप्लीट रिंग है, इसको मैं अगर ऐसे रिंग बना दूँ, ठीक है, ये ऐसे सिमेट्रिकल है अबाउट दिस एक्सिस. अगर मैं निकालूँ, मान लो ये 2m मास की है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2m इंटू में आर स्क्वायर, ठीक. एक तरह से ये सिमेट्रिक है यहाँ पे, ठीक है. तो सिर्फ इस सेमी सर्कुलर रिंग का निकालना हो, सेमी सर्कुलर रिंग का इसका मास कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में m आर स्क्वायर, ठीक है. इसका हाफ हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि मास हाफ हो गया है यहाँ पे, ठीक है. सो हम सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है. अब देखो ये जो हमारी सेकेंड वाली एक्सेस है, ये क्या है, बेसिकली अबाउट दी डायमीटर है, मतलब एक तरह से ये वाली एक्सेस है, ठीक है. ये जो सेकेंड वाली एक्सेस और थर्ड वाली एक्सेस है, ये क्या अबाउट दी डायमीटर है, ठीक है. अबाउट दी डायमीटर निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है. एक तरह से जो हमारी डायमीटर की अबाउट है, ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल्स टू होगा ये हमारा अबाउट परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड होता है. तो यहाँ पे दोनों, ये मान लो आई वाई रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आई एक्स, तो ये आई वाई प्लस एक्स आई एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आई जेड, मतलब जो अबाउट फर्स्ट एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो टू आई डी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई टू. तो अगर मैं सेकेंड एक्सिस के अबाउट देखूँ या फिर थर्ड एक्सिस, दोनों के अबाउट डायमीटर हैं, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है. आई वन तो हमारा मैच कर रहा है आर से, और आई टू और आई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई टू, मतलब पी से मैच करेगा. उसके बाद आई फोर, आई फोर का निकालने के आई थ्री के बाद पता है, तो आई फोर का तो आराम से पता चले जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आई फोर विल बी इक्वल टू आई थ्री प्लस में कितना डिस्टेंस है आर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस में एम आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, तो ये मैच करेगा क्यू से, ठीक है. तो आर पी पी क्यू, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.